हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल दिस इज नाजमा फ्रॉम शारदा एंड संस्कार स्कूल टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश ऑफ क्लास फर्स्ट इट इज़ योर इंग्लिश बुक ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इट इज़ योर चैप्टर नंबर फर्स्ट इट्स नेम इज़ कॉपी केट एम कॉपी केट कौन होता है जो किसी को कॉपी करता है किसी की नकल उतारता है और यहाँ पर किसकी बात हो रही है एमी एमी क्या है एक गर्ल है एक लड़की है आप ही की तरह आप ही की एज की ओके okay, तो अब वो किसको कॉपी करती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे ओके सो एमी लव्स एनिमल्स वन डे शी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम द एनिमल्स एट द फार्मर्स फार्म शी जर्म्स विद जॉय ओके एमी किसे लव करती है एनिमल्स को लव करती है जानवर सबको अच्छे लगते हैं ना आप सबको भी अच्छे लगते हैं ए वन डे एक दिन क्या हुआ शी गेट्स एन इन्विटेशन फ्रॉम द एनिमल्स उसे एक दिन इनविटेशन मिला बुलावा मिला किसकी तरफ से एनिमल्स की तरफ से और उन्होंने कहाँ पर बुलाया एट द फार्मर्स फार्म किसान का जो खेत है ना वहाँ पर बुलाया किसने बुलाया एनिमल्स ने किसको बुलाया एमी को बुलाया शी जम्प्स विद जॉय वो खुशी से खुशी से उछल पड़ी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि उसे एनिमल्स बहुत अच्छे लगते थे शी टेक्स द ट्रिप अब वो उस ट्रिप पर गई शी रिचेज द फार्म और वो उस फार्म पर गई जहां पर उसे बुलाया था जहाँ का उसे इन्विटेशन दिया था शी इंजॉयज द डे कॉपिंग द एनिमल्स और उसने वहाँ पूरा दिन कैसे इंजॉय किया सारे एनिमल्स को कॉपी कर करके कि कौन सा एनिमल क्या करता है कैसी आवाज़ निकालता है उसको कॉपी किया उसकी नकल उतारी ओके okay? तो अब हम देखते हैं हॉर्स हाँ यू कैन नॉट कॉपी मी हॉर्स क्या बोल रहे हैं कि तुम तो मुझे कॉपी नहीं कर सकती हो ठीक है फिर ये एमी क्या बोलती है ओ यस आई कैन ने तो इसने एमी ने क्या बोला हाँ मैं कर सकती हूँ और ने किसकी आवाज़ होती है ये हॉर्स की होती है तो फिर एमी ने हॉर्स की आवाज़ निकाल कर बता दी फिर ये किसके पास गई डक के पास डक ने क्या बोला नॉट मी नॉट मी क्वेक क्वेक ये क्या है डक है डक पता है हम सबको पानी में रहती है आ, तो उसने क्या बोला कि मैं नहीं मैं मुझे कॉपी नहीं कर सकती हो ठीक है और उसने क्या किया ये क्वैक क्वैक जो है ना ये डक की आवाज है डक की आवाज निकाली आ, फिर एमी ने क्या बोला एमी है आई गो क्वैक एमी ने बोला देखो मैं अभी आवाज निकालती हूँ और उसने भी क्वैक बोला जैसा डक ने बोला था ओके फिर कौन सा एनिमल आया डॉग डॉग मतलब कुत्ता उसने क्या बोला हे गिव मी अ चांस टू मुझे भी एक चांस दो मतलब मैं जैसा करके बताता हूँ वैसा करके बताना एमी ने क्या बोला आई कैन बी अ डॉग कि मैं एक डॉग भी बन सकती हूँ आई कैन गो ऑन माई हैंड्स एंड फीट बो वो और एमी ने क्या किया उसने बोला मैं अपने हैंड्स और फीट पर भी देखो ऐसे हो सकती हूँ जैसे तुम बैठ हुए हो और कौन सी आवाज निकाली बो वो जैसे कुत्ता भोगता है ना ये डॉग वैसी आवाज़ निकाली ओके फिर कौन आया फिर काऊ आई काऊ पता है आप सबको गाए हाउ अबाउट मी काऊ ने क्या बोला कि मेरे बारे में क्या मेरी भी आवाज़ निकाल सकती हो क्या हम फिर एमी ने क्या बोला आई कैन लिफ्ट माई हैड आई कैन बैंड ऑन माई हैंड्स एंड नीज हाउ इज दैट मो एमी ने क्या बोला कि मैं भी अपना हेड लिफ्ट कर सकती हूँ अपना सर ऊपर उठा सकती हूँ जैसे तुमने उठा रखा है आई कैन बैंड ऑन माई हैंड्स एंड नीज कि मैं अपने हैंड्स और नीज अपने घुटनों पर ऐसे बैंड हो सकती हूँ झुक सकती हूँ किसकी तरह काओ की तरह देखो लग रहा है सिमिलर पोस्चर ओके और फिर एमी ने क्या किया हाउ इज दैट कैसा है ये और मो काओ की साउंड निकाली ओके okay? काओ की वॉइस निकाली यहाँ पर देखो ये सबको कॉपी कर रही है डॉग को भी ऐसे उसका पोस्टर कॉपी किया काउ का भी कॉपी किया फिर कहाँ आती है वो उसके पास कौन आता है कैट कैट क्या बोलती है कॉपी केट एम कैन यू कॉपी मी टू कैट क्या बोलती है एम को कॉपी केट एम कॉपी केट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉपी केट कौन होता है जो किसी को कॉपी करता है किसी की नकल उतारता है तो कैट ने एमी को कहा कॉपी केट एमी नकल जी एमी कैन यू कॉपी मी टू क्या तुम मुझे भी कॉपी कर सकती हो ओके okay. फिर एमी ने क्या किया आई कैन स्ट्रेच लाइक यू केज मियाओ फिर देखिए फिर एमी ने क्या बोला हाँ मैं तुम्हारी तरह स्ट्रेच हो सकती हूँ कैसे ये स्ट्रेच हो रही है लंबी हो रही है ना हाँ ठीक है और फिर कौन सी आवाज़ निकाली है जो कैट की आवाज़ होती है ओके फिर देखो अभी सारे एनिमल्स एक साथ आ गए ये देखो डक कैट काउ हॉर्स डॉग ठीक है सब देखो इन्जॉय कर रहे हैं एमी के साथ में दिख रहा है आपको उसके बाद क्या हुआ ऑल द एनिमल्स क्लैप फॉर एमी शी इज़ वेरी गुड एज कॉपिंग दैम सारे एनिमल्स ने एमी के लिए क्लैप किया क्योंकि एमी ने बहुत अच्छा उनको सबको कॉपी किया था क्योंकि वो कॉपी करने में बहुत अच्छी थी आ, ओके तो ये चैप्टर आपका पूरा हुआ आपको समझ में आया ओके